बता दें कि बॉलीवुड के स्टार रणबीर कपूर ने नए साल की शुरुआत में ही अपनी मोस्ट अपडेटेड फिल्म एनिमल का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है, जिसे फिल्म के मेकर्स ने कल यानी नए साल के मौके पर ठीक रात के 12 बजते ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं नए साल के जश्न में डूबे लोग रणबीर कपूर का ऐसा भयानक रूप देखकर हैरान रह गए। खून से लथपथ और पूरे शरीर पर जख्म, रणबीर कपूर के ऐसे रूप को आपने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। बता दें कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म में रणबीर कपूर के इस लुक ने सबको शॉक्ड कर दिया है, जिसमें आपको रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली हैं। और इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर टी सीरीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर किया गया है, जहां पोस्टर में एक्टर रणबीर कपूर का साइड फेस नजर आ रहा है और खून से सने रणबीर के हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिस पर खून लगा हुआ है। वहीं इस पोस्टर को एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है, एनिमल का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, मैं बेहद उत्साहित हूँ, आप भी देखें। बता दें कि ये फिल्म इसी साल के 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जहाँ इसकी टक्कर बड़े पर्दे पर विवेक अग्निहोत्री के द वैक्सीन वॉर से होने वाली है। साथ ही फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी भी लीड रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, जिसको सोशल मीडिया पर लोगों का मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है। किसी को ये काफी पसंद आया है तो कोई रणबीर कपूर का लुक देख कर हैरान है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।